छोड़कर शहर क्यों आते हैं? तो लोग गांव छोड़ के शहर इसलिए आते हैं बेटर जॉब्स के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेटर एंटरटेनमेंट के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए आते हैं। तो ये चार रीजन है क्या? ये चार रीजन है किसके लिए? रूरल अर्बन माइग्रेशन के लिए ये चार रीजन है। अब आ जाते हैं कंटिन्यूएशन पे, जहां से लास्ट टाइम ने टॉपिक छोड़ा था, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू, लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पुश फैक्टर का मतलब है वो रीजन जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो पुश फैक्टर का मतलब है कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो नंबर वन, सबसे पहला रीजन पे आ जाए भाई। सबसे पहला रीजन ये है कि लोग गांव छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अपने पास शॉर्टेज ऑफ जॉब्स, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्टेज ऑफ जॉब्स के अलावा लोग और गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो लोग गांव छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अपने पास हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। पुल फैक्टर का मतलब क्या है? वाइस वर्सा, लोग शहर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, लोग शहर की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। पुल फैक्टर का मतलब वाइस वर्सा। लेकिन मोर जॉब्स आर अवेलेबल, मोर जॉब्स आर अवेलेबल, हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, एजुकेशन इज अवेलेबल, एंटरटेनमेंट इज अवेलेबल, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज आर अवेलेबल, वाइस वर्सा। ठीक है ना? कर ले जरा कॉपी। नेक्स्ट आते हैं, सवाल लिखा हुआ है, इफेक्ट्स ऑन अर्बन एरियाज क्या होगा जब सारे लोग गांव छोड़ के शहर आ जाएंगे? तो गांव पे क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऑन अर्बन एरियाज क्या होगा? आए जरा इफेक्ट ऑन अर्बन एरियाज को लेते हैं। सब लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं, सब लोग गांव छोड़ के जब शहर आएंगे तो ट्रैफिक इश्यू होगा। लेकिन भाई ट्रैफिक इश्यूज, ट्रैफिक इश्यूज, डिजीज स्प्रेड हुई, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, पॉवर्टी इंक्रीज होगी। लेकिन पॉवर्टी विल इंक्रीज, कॉपी पे भी ध्यान दें, गुर्बत बढ़ेगी, पॉवर्टी विल इंक्रीज, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। यस सामना, यू आर राइट, क्राइम रेट विल इंक्रीज, क्राइम रेट विल इंक्रीज। यस स्लम एरियाज बढ़ जाएंगे भाई, स्लम एरियाज विल इंक्रीज, रिसोर्सेज से बर्डन आएगा। यस सोफिया, बर्डन ऑन रिसोर्सेज, बर्डन ऑन रिसोर्सेज। ठीक है, फेयर इनफ, फाइन फाइन फाइन, चलो जी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रूरल एरियाज में क्या होगा? रूरल एरियाज में क्या होगा?
रूरल एरियाज के अंदर नंबर वन सबसे पहले आप आइसोलेट फील करोगे। शोर शहर में होगा, बीवी बच्चे गांव में होंगे, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन होगी, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन के अलावा जेंडर रेशियो अनबैलेंस होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल रिड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल रिड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलावा सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, लॉस ऑफ वर्कफोर्स, गांव में काम करने के लिए कोई नहीं होगा, लॉस ऑफ वर्कफोर्स, जेंडर रेशियो, जेंडर रेशियो विल गेट अनबैलेंस, जेंडर रेशियो विल गेट अनबैलेंस, जेंडर रेशियो विल गेट अनबैलेंस। ठीक है, दो तरह की इमिग्रेशन होती है, एक ई वाली होती है, एक आई वाली होती है, एक ई वाली होती है और एक आई वाली होती है। ई वाली इमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट, मुल्क छोड़कर जाना, दिस इज ई वाली इमिग्रेशन। पहले उसका मतलब लिख लेते हैं, ई वाली इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है। इमिग्रेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल लीविंग द कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लीविंग द कंट्री। तब सवाल ये पैदा होता है कि लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वाई पीपल आर माइग्रेटिंग, मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बेटर जॉब्स के लिए जा रहे होंगे भाई, बेटर जॉब्स, ऑपोजिट जेंडर के लिए जा रहे होंगे, ऑपोजिट जेंडर, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जा रहे होंगे, फॉर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के लिए जा रहे होंगे, एजुकेशन, बेटर लाइफस्टाइल के लिए जा रहे होंगे, लड़के जो है लड़कियों के लिए जा रहे होंगे, लड़कियां जो है लड़कों के लिए जा रहे होंगे। पप्पा गोरी बहू लाऊंगा मैं आपके लिए, जाते हैं लोग, सही है, दुआ रहा भी तुम लोगों ने मशवरा कर लेना, मैं बाहर ही नहीं गया, घर वाले जाने ही नहीं देते, एम्प्लॉई पे आ जाए, सारी टोपी मेरे पे डाल दो बेटा, उस्मान तुम कोई, तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी ना फुप्पो छुपी हुई है, पता है तुम्हें, एम्प्लॉई पे आ जाए। एम्प्लॉई क्या होते हैं, एम्प्लॉई वो बंदा होता है जो काम करता है जॉब के लिए, लेकिन अपने पास अ पर्सन हु वर्क्स फॉर मनी, हु वर्क्स फॉर सैलरी, वो बंदा जो किसके लिए काम करता हो, सैलरी के लिए काम करता हो, पर्सन हु वर्क्स फॉर सैलरी। एम्प्लॉयर कौन होता है जो जॉब प्रोवाइड करता है, पर्सन हु प्रोवाइड्स अ जॉब, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स अ जॉब। तो एम्प्लॉयर वो बंदा होता है जो जॉब प्रोवाइड करता है, पर्सन हु प्रोवाइड्स अ जॉब, a person who provides the job, a person who provides the job, a person who provides the job। next आ जाते हैं, next क्या है भाई, employment, employment वो काम होते जो आप करते हैं पैसे कमाने के लिए, लिखिए अपने पास a work done for earning money, a work done for earning money। self employment क्या होती है, जो आप, yes आज self employment क्या होती है, जो आप खुद के लिए काम करते हो, I have my own school, work coaching, I have my own the professional institute, I am a self employed, लेकिन अपने पास self employed
वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फॉरेन एम्प्लॉय एंड नॉट फॉरेन एम्प्लॉय फुल स्टॉप. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम कर भी सकता हूं, लेकिन मेरे पास जॉब अवेलेबल नहीं है. मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम कर भी सकता हूं, लेकिन मेरे पास जॉब अवेलेबल नहीं है. अ पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट हैव अ जॉब. अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट हैव अ जॉब. नो बेटा, उसके अंदर नहीं होगा, एम्प्लॉयर नहीं होगा. अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट हैव अ जॉब. अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट हैव अ जॉब. अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट हैव अ जॉब. एक बंदा विलिंग और एबल टू वर्क है बट उसके पास जॉब नहीं है. नेक्स्ट आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट आप किसको कहते हो? आप हड आराम को कहते हो, जो कि काम करता है सही है, लेकिन उसकी जो है ना सैलरी कम होती है. सही है, जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है लेकिन सैलरी कम होती है. लिखिए अपने पास, अ पर्सन विथ हाई क्वालिफिकेशन बट लेस पे. हार्ड आराम मैंने इसलिए बोला कि वो एफर्ट नहीं करता, उसको एफर्ट करनी चाहिए दूसरी जॉब्स को ढूंढने के लिए. शामी, यू हैव सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दुनिया में क्या नहीं पॉसिबल. एनी वर्क, कोई भी जॉब, आप काम तो करें. अव्वल तो पहली बात है सुन्नत रसूल, तो भाई बिजनेस है, आप बिजनेस करें. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जरा उस पर हम डिस्कस करते हैं. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन, आबादी माशाल्लाह से इतनी ज्यादा है. नेक्स्ट आ जाते हैं इलिटरेसी बहुत है, इलिटरेसी. एग्रीकल्चर फार्म्स में मैकेनाइजेशन हो गई है, मैकेनाइजेशन इन फार्म्स, मैकेनाइजेशन इन फार्म्स. तो जब फार्म्स में मैकेनाइजेशन होगी तो फिर क्या होगा, तो आप अनएम्प्लॉयड होंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है, यस इन्फ्लेशन भी हो सकता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यस ये भी हो सकता है जी. कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या रूरल अर्बन माइग्रेशन भी हो सकता है जी, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, फेयर इनफ. आगे चलते हैं, सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं. आप इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो? ट्राइपॉड्स बना दो, ट्राइपॉड्स. ट्राइपॉड्स ये तो आप इंडस्ट्रियल स्टेट बना दो भाई. इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट वो जगह होती है जहां पे गवर्नमेंट आपको क्या देती है, बेनिफिट देती है. इंडस्ट्रियल स्टेट वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है ताकि आप इंडस्ट्री लगा सके. ईपीजेड बनाते हैं, मेक मोर ईपीजेड, मेक मोर ईपीजेड. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सही है. कॉटेज इंडस्ट्री बना दो भाई, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट कर दो, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट कर दें जी. लिख सकते हैं हम
कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब्दुल समद बेटा ऊपर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा पेज नंबर देख ले जरा, पेज नंबर ठीक है, फेयर इनफ। चैट्स के मुजाहिदीन ना बने, हल्का रखें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है जब मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डन, चले जी आगे चलते हैं। ईपीजेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नेक्स्ट आ जाए भाई लिटरेसी पे आ जाए। लिटरेसी का मतलब क्या है? पढ़ने की और लिखने की ताकत को आप लिटरेसी कहते हैं। लिखे अपने पास द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड लिटरेसी। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड लिटरेसी। पढ़ने की और लिखने की सलाहियत को आप लिटरेसी कहते हैं। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड लिटरेसी। रीजंस फॉर हाई इलिटरेसी पे आते हैं भाई, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हो गया, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, तो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, चाइल्ड लेबर इज वेरी कॉमन। बच्चों से लोग काम कराते हैं जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं लेते हैं, चाइल्ड लेबर इज वेरी कॉमन। ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं है, मैं कहाँ कहाँ भागूं? मैं सुबह स्कूलों में पढ़ाऊं, फिर वर्कशॉप्स लूं, फिर ऑनलाइन पढ़ाऊं, आई एम ओनली वन। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल। प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आ जाते हैं रिमोट एरियाज में एजुकेशन नहीं है, लगे अपने पास लेस एजुकेशन इन रिमोट एरियाज, लेस एजुकेशन इन रिमोट एरियाज। तो रिमोट एरियाज के अंदर एजुकेशन नहीं है, लेस एजुकेशन इन रिमोट एरियाज। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, लिखिए अपने पास लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज। ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अवेलेबल है, मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर अवेलेबल, मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर अवेलेबल, मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर अवेलेबल। एक बंदा रीड और राइट कर सकता है, लेकिन अपने पास अ पर्सन कैन रीड एंड राइट, अ पर्सन कैन रीड एंड राइट। टेक्नोलॉजी यूज कर सकेंगे, कैन यूज टेक्नोलॉजी। अम्मा को दो आईफोन, बोला मम्मा आईफोन चलाओ, ऐसे चित्रोल का आएगी ना अम्मा, बोले ये क्या हाथ में रख दिया है, दबा कर उसको। तो टेक्नोलॉजी यूज कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। Will increase, standard of living will increase. Full stop. Copy करें, I'm waiting. मैंने चैट इसलिए क्लोज की थी क्योंकि मैंने उन बच्चों को भी इन्वाइट किया था जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके और वो आके यहाँ पे ना कीबोर्ड के ना मुजाहिदीन बन गए, फ्रीडम फाइटर बन गए इस वजह से। Done.
नेक्स्ट आते हैं, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी क्रूशियल एरिया, और उस क्रूशियल एरिया का नाम है पॉपुलेशन पिरामिड। इस एरिया का नाम क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड। तो आप पॉपुलेशन पिरामिड को समझते हैं वन बाय वन, मैं फुल जूम इन कर रहा हूं ताकि स्क्रीन के ऊपर ना लिमिटेड चीजें ही नजर आए। पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर सिनेरियो नंबर वन, बहुत जूम इन कर दी है आपके पास। पॉपुलेशन पिरामिड में दो चीजें नजर आ रही है, एक आपके पास ये एज ग्रुप नजर आ रहा है, सही है, और एक आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी नजर आ रही है मेल और फीमेल की, ये मेल है ये फीमेल है, सही है। एग्जामिनर बोलेगा बच्चे पैदा हुए 0 से 4 में, 5 से 9 में, इस तरह एग्जामिनर बातें करेगा। मेरा डेटा जो सबसे पहला अवेलेबल है, मेरा डेटा अवेलेबल आपके सामने जो 0 से 4 में, 0 से 4 में कितने बच्चे पैदा हुए? 0 से 4 में बच्चे पैदा हुए हैं 40। तो मैंने 20 मेल बना दिए, 20 फीमेल बना दिए, मैंने 20 मेल बना दिए और 20 मैंने क्या बना दिए? फीमेल बना दिए। 20 मेल बनाए, 20 फीमेल बनाए, 20 मेल बनाए और 20 मैंने क्या बना दिए? फीमेल बना दिए। कोई इश्यू यहां पे? आगे चलते हैं। बच्चा बड़ा होगा, जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो ऑप्शन नंबर वन है कि शायद बच्चा मर सकता है, ये ऑप्शन नंबर टू जो है शायद बच्चा ना मरे। मैंने अज्यूम करा है कि ऑप्शन नंबर टू बच्चा नहीं मरा, डेथ रेट जीरो है। डेथ रेट क्या है? जीरो है। अब ये बच्चा बड़े होकर कौन से ग्रुप में आएगा? ये बच्चे बड़े होकर आएगा 5 से 9 के ग्रुप में, 5 से 9 के ग्रुप में आएगा। जैसे ही 5 से 9 के ग्रुप में आएगा तो 5 से 9 के ग्रुप में भी बच्चे की जो वैल्यू है वो 48, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं मरा। तो मैंने 5 to 9 में भी 20 मेल बना दिए और 20 फीमेल बना दिए। 20 मेल बना दिए और मैंने 20 क्या बना दिए? फीमेल। ऑप्शन नंबर 3, अज्यूम करते हैं 20 बच्चे मर गए। ऑप्शन नंबर 3, डेथ रेट कितनी हो गई? 20 हो गई है। तो 0 to 4 में बच्चे कितने थे हमारे पास? 40। 20 बच्चे मर गए, यस अहमद गुरफान, 20 बच्चे मर गए। 5 to 9 में कितने हो गए? 20 हो गए, क्योंकि बच्चे पैदा कितने हुए थे? बच्चे पैदा हुए थे 40। अब 40 बच्चे जब पैदा हुए थे वो बड़े होते होते 20 रह गए, क्योंकि 20 बच्चे मर गए। तो मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे छोटा सा काम करा है, मैंने छोटा सा काम क्या करा? 10 मेल बना दिए, 10 फीमेल बना दिए, 10 मेल बना दिए और 10 क्या बना दिए? फीमेल बना दिए। 10 मेल बना दिए और 10 क्या बनाए? फीमेल बना लिए। अब मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जबरान समझाने के लिए, माय डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल फॉर एक्सप्लेनेशन। सर फिर से समझते हैं, एग्जाम्पल टू लेते हैं। आप लोग अपनी थ्योरीज ना अप्लाई करें, मेरी बात सुने, अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल डाउन करके सुने। 0 to 4 में बच्चे पैदा हो गए 40। 0 to 4 में बच्चे कितने पैदा हुए? 40। ये बच्चा बड़ा होकर 5 to 9 के ग्रुप में जाएगा, यस और नो? 5 to 9 के ग्रुप में भी ये बच्चा 40 है, 5 to 9 के ग्रुप में भी ये बच्चा क्या है? 40 है। इसका मतलब है एक भी बच्चा नहीं मरा। तो मैंने 5 to 9 में यहाँ 20 मेल बनाए, 20 फीमेल बनाए, 20 मेल बनाए, 20 क्या बनाए? फीमेल्स। नई शादियां हुई, नए बच्चे पैदा हुए, नए बच्चे पैदा हो गए 0 to 4 में 60। नए बच्चे 0 to 4 में पैदा हुए कितने हुए? 60। तो मैंने यहाँ पे 30 मेल्स बना दिए, 30 फीमेल्स बना दिए, अज्यूमिंग के डेटा इक्वल है। समझने के लिए, पहले बच्चे पैदा हुए थे 40, अब बच्चे पैदा कितने हो गए? 60। पहले कम बच्चे पैदा हुए थे तो बर्थ वेट कम थी, इस दफा बच्चे ज्यादा पैदा हुए हैं इसलिए बर्थ वेट क्या है? ज्यादा है। इसलिए बर्थ वेट क्या है? ज्यादा है। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा, एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सिनेरियो 3, 0 to 4 में बच्चे पैदा हुए 80, 40 मेल्स हैं, 40 फीमेल्स हैं। आसान जिंदगी करने के लिए, मैं आसान करने के लिए बैठा हुआ हूं, मुश्किल नहीं। 40 मेल बनाए, 40 फीमेल बनाए, कोई मसला नहीं। 40 मेल बनाए, 40 क्या बनाए? फीमेल। ये बच्चा बड़ा होगा, ये बच्चा बड़ा होकर 5 to 9 के ग्रुप में आएगा। 5 to 9 के ग्रुप में भी 80 बच्चे आए, कोई भी बच्चा नहीं मरा। 0 से 4 में 80 बच्चे, 5 to 9 में भी 80 बच्चे, कोई भी बच्चा
नहीं मरा, कोई भी बच्चा नहीं मरा। तो 5 to 9 में भी 60 बच्चे हैं और 0 to 4 में भी 80 बच्चे हैं। आके चलते हैं, यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने 5 to 9 में मैंने 80 बना दिए। नई शादियां हुई, नए बच्चे पैदा हुए, नई शादियां हुई, नए बच्चे पैदा हुए, और 0 to 4 में जो नए बच्चे पैदा हुए वो 60 हुए। पहले 0 to 4 में 80 बच्चे पैदा हुए थे, अब 0 to 4 में 60 बच्चे पैदा हुए। पहले बर्थ रेट ज्यादा थी क्योंकि बच्चे 80 थे, पहले बर्थ रेट ज्यादा थी क्योंकि बच्चे क्या थे 80। अब बर्थ रेट 60 है तो अब बर्थ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। प्रीवियसली बर्थ रेट वॉज हाई, अब बर्थ रेट क्या हो गई, कम हो गई है। इसके ऊपर दो तरह के सवाल आते हैं, नंबर वन पिरामिड को रीड करने का सवाल आता है, एंड नंबर टू इसके ऊपर एक और सवाल आता है कि इनकम्प्लीट पिरामिड को ड्रॉ करें। लेक्चर यहाँ पे रैप अप करते हैं, पास्ट पेपर्स पे जाते हैं। लेक्चर यहाँ पे रैप अप करते हैं, पास्ट पेपर्स पे जा रहे हैं। दैट्स द एंड ऑफ पॉपुलेशन। मैं पॉपुलेशन के अब पास्ट पेपर्स करवाना शुरू कर रहा हूं, आ जाए वहां पे। जल्दी से पास्ट पेपर्स खोल रहे हैं, नहीं लिखना कुछ भी नहीं है। यस बुक 3, पासवे बुक 3 पे आए, पासवे बुक 3 नहीं सॉरी बुक 4 होगी, पासवे बुक 4, पासवे बुक 4 पेज नंबर 72। I'm going to start a fresh recording for this. Workbook 4, page number 72, population pyramid. Page number 72, population pyramid. Aaj please. Workbook 4, page number 72. Come on, jaldi aajen sab. Study figure 5 of population pyramid for Pakistan in 1998. Population pyramid hai. Bhai, ye pyramid bana hua hai. How many million children were there below the age of 5 years? 5 years के below कितने children से? मुझे males बता दो, males कितने हैं? How much are males? Tell me the males. Males हैं 9.8. Males क्या हैं? 9.8 है. Males are 9.8. Females बताओ, females कितनी हैं? Females हैं 9.2. तो females हैं 9.2. तो टोटल कितनी हो गई, 9.8 प्लस 9.2 इक्वल्स टू 19 मिलियंस। टोटल कितनी हो गई, 19 मिलियंस। पेज नंबर 72 वर्कबुक 4, टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल हो गई 19 मिलियंस। सही है, आगे चलते हैं। व्हाई वर देयर मोर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 5 to 9 देन 0 to 4? बोले 5 से 9 में बच्चे ज्यादा है, 0 to 4 में बच्चे कम है। भाई 0 to 4 में बच्चे इसीलिए कम है क्योंकि बर्थ रेट कम हो गई थी। और हमने ये कहां पढ़ा था, हमने पढ़ा यहाँ पे सिनेरियो 3 में, 0 to 4 में बच्चे कम है, 5 से 9 में बर्थ रेट ज्यादा है। तो 0 to 4 में बर्थ रेट क्यों कम है, क्योंकि बर्थ रेट के बच्चे क्यों कम है, क्योंकि बर्थ रेट कम हो गई है सिनेरियो 3 में। यही तो पढ़ के आए अभी, तो लिख ले अपने पास, इन 0 to 4 द बर्थ रेट हैज reduce, in 0 to 4 the birth rate has reduced. Yes Daniel, infant mortality bhi ho sakta hai.
बेटा 529 में क्यों ज्यादा है, तो आप बोलोगे 529 में बर्थ रेट ज्यादा है, लिख लो भाई एक और आंसर लिख लो, इन 529 द बर्थ रेट वॉज हाई, द बर्थ रेट वॉज हाई, ये भी लिख सकते आंसर, मर्जी यार। नेक्स्ट आ जाए, स्टडी द सेक्टर एक्स वाई एंड जेड, विच सेक्टर रिप्रेजेंट्स द यंग डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट एक्स लोग हैं, आप और मैं यंग डिपेंडेंट है, हम लोग यंग भी और हम लोग डिपेंडेंट भी है, सही है ना, हम लोग हाँ, आप लोग नहीं, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड। विच सेक्टर रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिकली एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव कौन लोग हैं भाई, इकोनॉमिकली एक्टिव लोग वाई लोग हैं, वाई लिख दे भाई वाई, द नंबर ऑफ पीपल इन सेक्टर्स एट एजेड लोगों की बात हो रही है, सीनियर टीचर्स की बात हो रही है, आर लाइकली टू हैव इंक्रीज सिंस 1998, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द इकोनॉमी एंड द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे और डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, अब एजेड लोग बढ़ जाएंगे तो भाई फूड शॉर्टेज हो सकती है, सही है, रिसोर्सेज अ बर्डन, बर्डन ऑन रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज अ बर्डन होगा, बर्डन ऑन हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन होगा, बर्डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बर्डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है, गवर्नमेंट को पेंशन देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट माइट नीड टू गिव पेंशन, उससे इनको टेंशन होती रहेगी, गवर्नमेंट माइट नीड टू गिव पेंशन, यस बर्डन ऑन एक्टिव पीपल भी हो सकता है, यू आर राइट, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, फेयर इनफ। एक्सप्लेन द रीजन फॉर हाई बर्थ रेट, चीते हैं आप लोग, हाई बर्थ रेट के रीजन तो आपके पास ही है माशाल्लाह से, तो बर्थ रेट के, हाई बर्थ रेट के रीजन क्या होंगे, नंबर वन डिजायर फॉर सन, डिजायर फॉर सन, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पॉलीगैमी एक से ज्यादा शादी, इलिटरेसी, इलिटरेसी, रामला वेलकम बैक टू द क्लास, रिलीजियस बिलीफ, सही है, फेयर इनफ। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से ना कंपटीशन होता है, एक भाई के चार बच्चे और एक भाई के दो बच्चे है, तो कंपटीशन करते हैं, उसके चार हमारे दो, वो क्यों, यस सोनी अर्ली मैरिजेस भी हो सकता है, अल्लाह पाक का बिलीफ, अहमद गुफरान के रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है, एक्सप्लेन सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू रिड्यूस बर्थ रेट, आप बर्थ रेट को कैसे रिड्यूस करोगे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स, अवेयरनेस क्रिएट कर दो, बहनों को एजुकेशन दे दो, एजुकेट फीमेल्स, एजुकेट फीमेल्स, और एजुकेट फीमेल्स के अलावा मेक देम कैरियर ओरिएंटेड, मेक देम कैरियर ओरिएंटेड, सही है, आगे नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, क्या इफेक्ट होगा पॉपुलेशन का, लोग गांव से शहर आ जाएंगे तो भाई अगेन ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी शहर में, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, थेफ्ट बढ़ जाएगा, थेफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट,
सही है, जेंडर इनइक्वालिटी हो जाएगी, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। उसके अलावा क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्राइम रेट विल इंक्रीज। सही है, ठीक है, क्राइम रेट विल इंक्रीज। व्हाई डू सम पीपल गो टू लिव इन अदर कंट्रीज, बहुत सारे लोग जो है वो अदर कंट्रीज में जाके क्यों जिंदगी गुजारते हैं, व्हाई डू सम पीपल गो एंड लिव इन अदर कंट्रीज, बताओ भाई लोग जाके अदर कंट्रीज में क्यों रहते हैं, भाई जॉब्स के लिए, बेटर लाइफ पार्टनर के लिए, लिख ले भाई फॉर बेटर जॉब्स। बेटर लाइफ पार्टनर, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, कर लें जरा, सीरियस हो जाएं पढ़ाई को लेके, एग्जाम्स हैं, मस्ती मजाक को साइड पे करें, यस हो सकता है राबिया, ये भी यस शामिर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप पेज 76 पे आओ, पेज 76, यस राबिया, इधर पेज 75 का स्क्रीनशॉट, 75 में तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, 74 होगा, 74 का ले लो, चलो आओ जरा पेज नंबर 76 पे। स्टडी फिगर फिगर 11, अ बार चार्ट शोइंग द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन 2004, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर वर अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज, तो भाई 10% है। व्हाई आर सो मेनी पीपल अनएम्प्लॉयड इन सिटीज, बहुत सारे लोग जो है वो सिटीज में अनएम्प्लॉयड क्यों है, बताओ भाई, अनएम्प्लॉयड इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, lack of skills, competition बहुत ज़्यादा, high competition, overpopulation, overpopulation, सही है, टेक्नोलॉजी हो गई है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी, ठीक है, फेयर इनफ, सही है, हाँ कॉपी करें जल्दी से, तो कॉपी पे भी ध्यान दो यार, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, कौन हरी अब, स्टडी फिगर 7 विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन टू डिफरेंट कंट्रीज, बाय हाउ मच हैज द रूरल पॉपुलेशन डिक्रीज फ्रॉम 1981 टिल 2010, 1981 की वैल्यू बताओ क्या है, 1981 की वैल्यू है, 1981 की वैल्यू 72% है, थैंक यू वानिया, 2010 की वैल्यू क्या है, 2010 की वैल्यू 64 है, अहमद 65 नहीं 64 है, तो 72 - 64 इक्वल्स टू हाउ मेनी परसेंट, 8% भाई लिख दे भाई, 8% डन, आगे चलें, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वन ऑफ द रीजन फॉर द रूरल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग,
Describe three push factors that are causing people to move towards urban areas. लोग गांव छोड़ के क्यों जा रहे हैं? Lack of education, lack of jobs, और चाहिए lack of health facilities. Lack of health facilities. ठीक है, fair enough. Next आ जाए, explain the effects. बेटा develop answer सही ना तब लिखना होता है जब सवाल में लिखा हुआ explain. सवाल में क्या लिखा हुआ explain. नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन रूरल एरियाज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज. लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं तो इफेक्ट क्या होगा? अभी हमने लिखा था इफेक्ट नंबर वन, बर्डन ऑन रिसोर्सेस. नहीं, रूरल एरियाज पे इफेक्ट बोल रहा है. रूरल एरियाज पे इफेक्ट क्या होगा? जेंडर रेशियो विल गेट अनबैलेंस. जेंडर रेशियो विल गेट अनबैलेंस. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, रूरल एरियाज पे क्या इफेक्ट होगा? फूड शॉर्टेज होगी. फूड शॉर्टेज आ जाए, उसके बाद फूड शॉर्टेज के बाद नेक्स्ट लिख ले भाई अपने पास. सब लोग गांव छोड़ के शहर आ जाएंगे तो फूड शॉर्टेज होगी. फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल रिड्यूस. और क्या होगा? मोर फीमेल्स इन रूरल एरियाज. मोर फीमेल्स इन रूरल एरियाज. भाई बोल रहे गांव पे इफेक्ट क्या होगा? अभी हमने वर्कबुक में पढ़ा तो है. लेट्स कीप इट टिल हियर, बाद में कंटिन्यू करते. सब थके हुए हैं वर्कशॉप की वजह से, इंक्लूडिंग मी. तो अब जरा इसको हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, चल, थैंक यू वेरी